और स्वस्थ जीवन का निर्माण। यह आज पूरे हिंदुस्तान में कोई एमएलएम कंपनी, कोई डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी का इतना बड़ा मिशन नहीं है। कोई लाइव कंपनी के मालिक का, मैनेजिंग डायरेक्टर का इतना बड़ा मिशन नहीं है साथियों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ऐसे लोगों को स्वयं परमात्मा जन्म देता है, इस धरती पर भेजता है साथियों। और ऐसे ही कड़ी में इतना महान मिशन लेके जो उन्होंने काम शुरू किया, तो क्या आप सब लोग इस महान मिशन का हिस्सा बनना चाहते हो? क्या इस देश के एक एक किसान को आर्थिक आजादी के अभियान में लाना चाहते हो? क्या हर आदमी को स्वस्थ जीवन देने का प्रण करते हो? तो साथियों, इसी कड़ी में मात्र दो मिनट में किसानों की एक ही पुकार, हरित संजीवनी बार बार हिंदुस्तान के गली गली में, राज्य राज्य में, तहसील में आवाज गूंजनी चाहिए। किसानों की एक ही पुकार, हरित संजीवनी बार बार। हरित संजीवनी दो पैकेज में अवेलेबल है, 750 ग्राम, 375 ग्राम में एक एकड़ आधे एकड़ के लिए। बाकी सब पता है साथियों, भारतीय किसानों की पहली पसंद स्प्रेमैक्स साथियों, इतना दमदार प्रोडक्ट है। और इसी हाल में मैंने कहा था 22 नवंबर 2015 को जब यह प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, यह अकेला प्रोडक्ट आप लोगों को डायमंड बना सकता है, इतना ताकतवर प्रोडक्ट है साथियों। तो इसकी जब भी ट्रेनिंग होती है हरित संजीवनी की, इसकी जानकारी लीजिए और डायमंड बनने का रास्ता खुला कर दीजिए साथियों। भारतीय किसानों के लिए वरदान श्योर शुगर, बहुत जानदार शानदार प्रोडक्ट, 1700 ग्राम का प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक खेती के लिए वरदान रैपिड, ये एग्रीकल्चर डिवीजन में सर जी ने जो मिशन लेके, जो विचार लेके ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आज पूरे इंडिया में इसका बोलबाला चल रहा है साथियों। हमारे जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी है, सिस्टम है, भारत सरकार के ऑर्गेनिक प्रोग्राम के अंतर्गत प्रमाणित प्रोडक्ट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR से गुणवत्ता प्रमाणित प्रोडक्ट है। हम TRA के टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता के मेंबर है, महाराष्ट्र ऑर्गेनिक फार्मिंग फेडरेशन के मेंबर है, कृषि रेटिंग कंपनी है और ISO सर्टिफाइड प्रमाणित कंपनी है साथियों। एक नंबर काम करने वाली अगर कोई सिस्टम है RCM सिस्टम में, हरित संजीवनी उसका नाम आता है साथियों। हरित संजीवनी मार्केटिंग टूल आपके सुविधा के लिए, भारत देश की जो मेजर लैंग्वेज है, हिंदी, कन्नड़ा, तमिली, तेलुगु, मलयालम।